विरद करूं मैं इतना, कलमाए फासन फास, विरद करूं मैं इतना, कलमाए फासन फास, बाकी रहना वसलत की कोई प्यास। विरद करूं मैं इतना, कलमाए फासन फास, बाकी रहना वसलत की कोई प्यास। विरद करूं मैं इतना, कलमाए पासन पास, बातें रहना वसलत की कोई प्यास। विरद पासन पास कहा गया है, कलमाए अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा है इसको बहुत अफजलुल जिक्र कहा गया। और इसको जब सूफिया ग्राम सांसों के साथ अदा करते हैं तो उसको पास अन पास कहा जाता है, पास अन पास कहा जाता है। मतलब उसको अपने धड़कनों और सांसों के साथ जो जिक्र विद करते हैं तो वो उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। अब देखिए उसको समझिएगा ज्यादा मजा। विरद करूं मैं इतना, कलमाए पासन पास, के बाकी रहना वसलत की कोई प्यास। विरद और इस शेर को देखिए तो हजम होगी बात कि जिक्र कसीरा से है याद वो आया, जिक्र कसीरा से है याद वो आया, अपनी असल की मंजिल को पाया, और दूर कहीं ना था वो, दूर कहीं ना था वो, बल्कि था अपने ही पास, बाकी वसलत की कोई प्यास। विरद करूं मैं इतना, कलमाए फासन फास, बातें रहना। पहले हम कह चुके हैं कि ये कलाम साबित किया के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो लोग जब पासन पास और जिक्र इलाही में इस तरह से मा बोलते हैं कि वसलत की कोई बात ही नहीं रहती है, फिर बंदा और मौला एक भाई। तो बाकी रहना कहेगा तो होगा नहीं, कि पूछने वाली बात है, जो कहेगा वही होगा, इसलिए कि वहां पर साबिर था तो साबिर खत्म हो गया। तो दूसरा था जो बोल रहा था अंदर से सजदा करो तो सजदा कर दिया मस्जिद, है ना भाई। और जिधर की नजर कान की नजर से उन्होंने अपने आंखों को दौड़ा दिया, पूरा इलाका जो है वीरान हो गया। एक नजर कहारी जब पड़ गई तो पूरा इलाका वीरान हो गया, और आज भी उनके मजार मुबारक के ऊपर से कोई चिड़िया नहीं छूटा। तो ये सिफत कहारी उनका गलबा था उनके ऊपर। तो ये सब क्या है, अल्लाह वालों की बातें हैं और ये जिक्र से पैदा होता है और ये बहुत ऊंची चीजें हैं, इसको समझिए। तो अब जो है इस बंद को दोहरा दे कि अगले बंद में चले, दोहरा दे। जिक्र कसीरा से वो याद है आया, अपनी असल की मंजिल को पाया, दूर कहीं ना था वो, बल्कि था अपने पास, बाकी रहना
सत की। और दूसरे शेर को देखिए, याद खुदा जो, याद खुदा जो आया भूला खुद को, याद खुदा जो आया भूला खुद को, यार को पाया जब खोया हस्ती को। और मतलूब जो है मेरा, मतलूब जो है मेरा रहता है मेरे ही पास, बाकी रहना वसलत की कोई प्यास। विर्द करूं मैं इतना, याद खुदा जो आया भूला खुद को, यार को पाया जब खोया हस्ती को। और मतलब जो है मेरा रहता है मेरे ही पास, बातें रहना वसलत की कोई प्यार। और आखिरी शेर तखल्लुस में देखिए, अज़कर ऐसा नसीहत एक आयत है काफी। एक आयत है उसका मतलब होता है कि हमारा इतना जिक्र करो कि भूल जाओ, भूल जाओ। मुफस्सिरों ने लिखा कि जब कुछ भूल जाओ तब खुदा को याद करो, जबकि उसका तर्जुमा है कि इतना जिक्र करो कि खुद को भूल जाओ, भूल जाओ। तर्जुमा निगारों ने लिखा कि अगर कुछ भुला जाओ अल्लाह को याद करो, जबकि उसका असल तर्जुमा है कि इतना याद करो कि खुद को भूल जाओ। कितना फर्क हो गया सो देखिए। मुफस्सिर ने लिखा कि जब कुछ भुला जाओ तो अल्लाह को याद कर लो, लेकिन औलिया अल्लाह कहते हैं कि नहीं, वाज करो गजान नसीहत, लेकिन इतना करो कि खुद को भी भूल जाओ। इतना डिफरेंस है देखिए स्टेटमेंट में, समझिए। इसी आयत को वजाहत में इस को लिखा कि याद करो गजान नसीहत आयत है काफी, अरे जाकिर पना हो तो मजकूर है बाकी। अजिकर ऐसा नसीहत आए तो है काफी, जाकिर बना हो तो मजकूर बाकी। मेरा जब ना रखना, मेरा जब ना रखना, तुम भी अपना वास, बाकी रहना वसलत की कोई प्यास। मेरा जाना रखना, तुम भी अब जो आवास, बाकी रहना वसलत की कोई प्यास। जिक्र कर मैं तुम्हारा।